Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum to all of you. I am mathematics teacher of grade 2 from IB Islamia Public Higher Secondary School, Ghodki. Dear students, today we are going to start unit 12 length. Our today's topic is measuring length. So first of all, length. Measuring an object from end to end to see how long it is. किसी भी चीज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एंड से लेके दूसरे एंड तक मेजर करना कि ये कितना जो है लंबा है उसे हम उसकी जो मेजरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी लेंथ कहलाएगी मेजरिंग लेंथ लेंथ इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हाई लॉन्ग और वाइड समथिंग इज़ लेंथ जो होती है वो ऐसी मेजरमेंट होती है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो है कितनी हाई है यानी कितनी ऊंची है कितनी लॉन्ग यानी लंबी है कितनी वाइड यानी चौड़ी है तो ये हम मेजरमेंट करते हैं बेसिकली विद द हेल्प ऑफ रूलर वैसे और भी बहुत इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत चीज़ें होती हैं लेंथ को मेजर करने के लिए लेकिन कॉमनली हम एक रूलर यूज़ करते हैं रूलर इज़ अ टूल यूज्ड टू मेजर लेंथ रूलर एक औजार है एक टूल है जो लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद हाइट है हाइट क्या होती है हाइट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू टॉप डिस्क्राइब्स हाउ हाई अ शेप इज़ जो हाइट होती है वो बेसिकली एक डिस्टेंस होता है बेस से लेके टॉप तक यानी हमारे पांव से लेके सर तक जो बीच में डिस्टेंस होता है उसे हम हाइट कहते हैं और उस हाइट को भी हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर और रूलर टेप जस्ट लाइक दिस हम किसी भी चीज़ की हाइट को भी फाइंड कर सकते हैं जैसे हम अपनी हाइट फाइंड कर सकते हैं उसी तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट की किसी चीज़ की हाइट को भी फाइंड कर सकते हैं उसके बेस से लेके उसके टॉप तक यानी नीचे से लेके ऊपर तक जो है होती है वो होती है हाइट वो भी हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर तो डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस इज़ हाउ फार अपार्ट ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टेंस क्या होता है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक बीच में जो एरिया होता है वो होता है डिस्टेंस फासला और डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेप रूलर फॉर एग्जांपल आप घर से स्कूल की तरफ आ रहे हैं ओके तो बीच में आप एक रास्ता तय करके आ रहे हैं उस रास्ते को क्या कहेंगे हम डिस्टेंस कहेंगे फासला कहेंगे और उस फासले को भी हम मेजर कर सकते हैं कि हमने घर से लेके स्कूल तक कितना जो है डिस्टेंस तय किया है इस डिस्टेंस को इसे फाइंड करने के लिए एक मीटर स्टिक होती है मीटर स्टिक इज़ यूज्ड टू मेजर द लेंथ हाइट एंड विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीटर स्टिक जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी चीज़ की लेंथ यानी लंबाई हाइट यानी ऊंचाई विड्थ चौड़ाई को मालूम करने के लिए यूज़ होती है एंड द बेसिक यूनिट इज़ मीटर लेंथ हाइट या विड्थ को फाइंड करने के लिए उसका एक यूनिट होता है जो है मीटर जिसको हम स्मॉल एम के साथ शो करते हैं डिनोट करते हैं सपोज़ आप अगर एक टेबल की मेजरमेंट कर रहे हैं सपोज़ वो 5 आ रही है तो क्या कहेंगे हम कि टेबल की मेजरमेंट 5 है 5 क्या है कैसे पता चलेगा हमें तो हम अगर 5 के साथ छोटा एम लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये इसकी मेजरमेंट जो है वो है 5 मीटर देर आर 100 सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर एक मीटर में जो होते हैं वो होते हैं 100 सेंटीमीटर्स क्या होते हैं एक मीटर में
100 सेंटीमीटर्स होते हैं और सेंटीमीटर्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी और एम के साथ. सी एम, अगर हम छोटा सी एम लिखेंगे किसी भी नंबर के साथ तो हमें समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये जो मेजरमेंट की गई है वो सेंटीमीटर्स में की गई है. एंड देयर आर 1000 मिलीमीटर्स इन अ मीटर, और एक मीटर में जो होते हैं वो 1000 मिलीमीटर्स होते हैं. यानी अगर किसी भी चीज़ की मेजरमेंट 1000 मिलीमीटर है तो हम उसे ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर का है. सपोज़ यहाँ पर हम एक पेंसिल की मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर. यहाँ हम पेंसिल का एक पॉइंट जो है 0 पे रखेंगे और ये हमारा रूलर किसका है, सेंटीमीटर का, जो है वो सेंटीमीटर को शो कर रहा है. तो हम इसका एक एंड जो है 0 पे रखेंगे और दूसरा एंड देखेंगे कौन सी लाइन पे आ रहा है. यहाँ पर हमें 0 से 15 तक नंबर दिए हुए हैं. इसका एंड जिस भी लाइन पे आएगा हम समझ जाएंगे कि ये इतने सेंटीमीटर की है. तो इसका एंड जो है 11 लाइन पे है. तो इसकी मेजरमेंट क्या है, इसकी लेंथ क्या है, 11 सेंटीमीटर. डू यू अंडरस्टैंड, इसकी मेजरमेंट क्या है, 11 सेंटीमीटर. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपके लिए ये असाइनमेंट है कि आपने ये जैसे यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं, आपने घर पे आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपने एक रूलर लेना है और घर पे जो भी चीज़ें हैं आपने उनकी मेजरमेंट करनी है. जैसे यहाँ पर मेजरमेंट की हुई है और मेजरमेंट करने का तरीका भी दिया हुआ है, इस तरीके से मेजरमेंट करनी है. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.